हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना किस विधा का है? ये तो आप लोगों को पता होगा कि काव्य विधा की रचना है। और जो हमारा खा नंबर है वो है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? और जो हमारा गा नंबर है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? नीड का निर्माण फिर आत्मकथा किस लेखक की रचना है? ये तो आप लोगों को 8th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और जो हमारा पांचवा नंबर है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है। और जो हमारा दूसरा का है वो है, अमीर खुसरो कवि है, किस काल के कवि हैं अमीर खुसरो? और जो खा नंबर है वो है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? और जो हमारा गा है वो है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा जाता है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास। और जो हमारा खा नंबर है वो है, हर योद्ध का जन्मस्थल है कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? और अंगा नंबर है, तार सप्तक का संपादन किस वर्ष हुआ था? ये गद्यांश से है, घुमक्कड़ पाठ से लिया गया है, इसकी व्याख्या करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर देना है, और पद्यांश को भी पढ़कर दोनों में से किसी एक को करना है। और जीवन परिचय, श्याम सुंदर दास आचार्य, महावीर प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। और जो खा नंबर है वो है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डले, तुलसीदास, महाकवि भूषण, सूरदास। और बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और सातवां नंबर, स्वपठित नाटक के आधार पर नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और जो खा नंबर है वो है, संस्कृत खंड से इसका संदर्भ हिंदी में व्याख्या यानी कि अनुवाद करना है और संदर्भ सहित लिखना है। और संस्कृत में है ये, पद्यांश भी है, या ये करिए या फिर ऊपर वाला करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर तो आपको बराबर ही मिलेंगे। और जो 9 नंबर है वो, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लगाते हुए लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, अंत भला तो सब भला, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। और जो 10वां नंबर है वो है, संधि विच्छेद, सही विकल्प का चयन करना है। देवालय का संधि विच्छेद है, देव प्लस आलय, देव प्लस लय, देव प्लस वालय, देवा प्लस आलय, इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको बता दीजिए। और दूसरा है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है? अगर आपको इस सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, तो हम अपनी वीडियो दूसरी डाल देंगे जिसमें आप लोगों के इसके आंसर होंगे। और खा नंबर है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्त और वचन के अनुसार चयन कीजिए, नामना में वचन और विभक्ति है, आत्मा का तृतीय एकवचन के रूप में होगा, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिए, अनिल अनल का अर्थ क्या होगा? और खा नंबर है, एक एक वाक्य लिखना है वाक्यांशों के लिए, मृत्यु को जीतने वाला, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मृत्युंजय होता है जो कभी न दिखाई और दृश्य होता है। खा नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है? और जो हमारा 12 नंबर, श्रृंगार तथा भीरस की परिभाषा उदाहरण सही लिखना है, 2 नंबर का हमारा खा नंबर है, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित लिखना है, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सही लिखना है। और जो हमारा 13 नंबर है वो है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में विद्यमान गंदगी के विषय में एक पत्र लिखना है, ये बहुत ही जी है। और जो हमारा 14वां नंबर है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा पर शैली में निबंध लिखिए, पढ़े बेटियाँ बड़े बेटे, ये बहुत ही जी है, आप लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड नए हैं तो बेल आइकन को ऑन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।